मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे बच्चे को दिखाते हुए होती है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और वो अपनी आंट के साथ रहा करता था। उसे वीडियो गेम्स खेलने में बहुत इंटरेस्ट था और वो एक ऐसी वीडियो गेम खेला करता था जिसका नाम हॉर्सेस था। और ये कोई आम गेम नहीं थी बल्कि खेलने में बिल्कुल रियल लगती थी। इस गेम का मेन कैरेक्टर पार्सिवल होता है। फिर हम देखते हैं कि वो ऑर्फन बच्चा पार्सिवल के साथ उस गेम में होता है। उसने गेम में अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढना था जो कि एक ऐसी जगह पे था जो कि बहुत डेंजरस थी। वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स थी जिनको हराकर उन्हें क्वाइन मिला करते थे। फिर हम एक आदमी हैलिडे को देखते हैं। उसने अपने मरने से पहले एक स्पीच की। उसमें ये था कि ऑसिस गेम में एक ईस्टर एग छुपा हुआ है और जो उसे ढूंढ लेगा वो जीत जाएगा और उसे ऑसिस गेम का ऑनर बना दिया जाएगा। वो एक एक दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है और उस दरवाजे को तीन चाबियां लगती हैं। जो कोई तीन चैलेंजेस पूरे करेगा उसे ही वो तीन चाबियां मिलेंगी। पहला चैलेंज रेस है जिसे आज तक कोई कंप्लीट नहीं कर पाया और इस टास्क में काफी लोग हिस्सा लेते हैं जिनमें एक इंडस्ट्री भी है जिसका नाम IOI है। उसका ओनर ये चाहता था कि मैं भी ऑसिस गेम का ओनर बन जाऊं। अब हमें रेस का सीन दिखाया जाता है जबकि पार्सिवल अपनी गाड़ी में होता है और उसके साथ एक फीमेल कैरेक्टर भी होती है जिसने रेस में हिस्सा लिया हुआ था। जब रेस स्टार्ट होती है तो उनके आसपास बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत रुकावटें आती हैं। अभी तक पार्सिवल सबसे आगे था, उसने सब मुश्किलों को पार कर लिया था। ऐसे लग रहा था जैसे वो रेस जीतने ही वाला है, लेकिन तभी वहाँ पर गोरिल्ला आ जाता है। वो उसकी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो उसे भी मारने वाला था, लेकिन तभी पार्सिवल देखता है कि वो फीमेल कैरेक्टर भी वहां पर आ रही है। वो जल्दी से जाकर उसका बाजू खींचकर उसे बचा लेता है और फिर वो गोरिल्ला उस लड़की की बाइक को तबाह कर देता है। फिर हम देखते हैं कि पार्सिवल लाइब्रेरी जाता है कि उसे गेम में कोई हेल्प मिल सके। ढूंढने पर उसे एक हिंट मिल ही जाती है कि हम सब आगे जाते हैं, यानी जैसे ही रेस स्टार्ट होती है सब आगे की तरफ निकल जाते हैं, कोई पीछे नहीं जाता। हम पीछे क्यों नहीं जा सकते, हमें पीछे भी तो जाना चाहिए। बस पार्सिवल ये चीज अपने जहन में बिठा लेता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही नेक्स्ट रेस स्टार्ट होती है तो पार्सिवल अपनी गाड़ी आगे करने के बजाय पीछे की तरफ मूव कर लेता है, जिसकी वजह से वो रोड पीछे की तरफ खुल जाती है। वो नीचे होने लगती है और पार्सिवल की गाड़ी वहां से होते हुए सीधा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचते ही वो देखता है कि हैलिडे का कैरेक्टर वहां मौजूद है। वो उसे पहली चाबी देता है। अब इस की को पाने के लिए दो अलग अलग टीम्स थी, एक पार्सिवल और उसके फ्रेंड्स की टीम और एक तरफ IOI इंडस्ट्री की टीम। जब IOI का ओनर ये देखता है कि पार्सिवल की टीम जीत गई है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि वो ओनर गेम में जाकर एक खौफनाक कैरेक्टर से कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि असल में पार्सिवल है कौन तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अब पार्सिवल दूसरा टास्क जीतने के लिए दूसरा हिंट ढूंढ रहा होता है और वो होता है कोई ऐसा क्रिएटर जो अपनी ही क्रिएशन से नफरत करता हो, यानी उसे अपनी की गई चीजों पर अफसोस हो। रात को पार्सिवल और उसके दोस्त क्लब में जाते हैं। वो लोग इसलिए क्लब में गए थे कि हो सकता है वहाँ पर उन्हें कोई हिंट मिल सके, जिसके दौरान वो उसे अपना असली नाम भी बता देता है। ये सब चीजें गेम का वो विलन कैरेक्टर भी सुन लेता है जिसे IOI के ओनर ने उन पर नजर रखने के लिए भेजा था। IOI के सोल्जर्स उन दोनों पर अटैक करने लगते हैं तो पार्सिवल की दोस्त उसे बचाते हुए बाहर ले आती है, लेकिन वो सोल्जर्स उन्हें बाहर नहीं जाने देते और यहाँ पर उन लोगों में बहुत फाइट होती है। पार्सिवल के पास एक रूबिक्स क्यूब होता है जिसे वो सेट करके टाइम 60 सेकंड्स पीछे कर सकता था। वो जल्दी से अपना क्यूब सेट करता है और उसकी वजह से टाइम 60 सेकंड्स पीछे हो जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर वो अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलकर पार्सिवल की दोस्त उससे कहती है कि ऑसिस खेलना मेरा शौक नहीं है बल्कि मुझे IOI के ऑनर से मसला है जो कि इस गेम को जीतना चाहता है और ऑन करना चाहता है। वो इस गेम को तबाह कर देगा, इसमें हर चीज बदल देगा। मैंने इस चीज को रोकने के लिए अपने फादर तक को खो दिया और अब मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इसे जीत जाए। अब हम देखते हैं कि वही ऑर्फन बच्चा जो कि गेम लाइफ में पार्सिबल है, वो गेम खेलने के लिए गेमिंग डिवाइस पकड़ता है, लेकिन तभी वहां पर IOI के ऑनर का टेक्स्ट आता है कि मैं तुमसे एक मीटिंग करना चाहता हूँ। वो उसे अलाउ कर देता है और तभी IOI के ऑनर का गेमिंग कैरेक्टर उसके सामने आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी इंडस्ट्री ज्वाइन करने की ऑफर दे रहा हूँ, तो पार्सिवल उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है तो वो ओनर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। तभी वहां पर उसकी नजर उस ओनर की कार पर पड़ती है जिसमें उसके अकाउंट का ID और पासवर्ड लिखा हुआ था। वो उसे अच्छी तरह से देख लेता है और फिर वहां से बाहर आ जाता है क्योंकि IOI के ओनर ने उसे ब्लैकमेल किया था।
अचानक से कोई उसके पीछे आकर उसे किडनैप कर लेता है। वो बेहोश हो जाता है और उसकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड लगा होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है और उसके साथ एक लेडी बैठी होती है, और वो असल में कोई और नहीं बल्कि पार्सिवल की वही दोस्ती जो उसके साथ गेम में होती है। वहाँ पर दोनों एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हैलिडे का सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि उसने डेट नहीं किया, यानी उसके साथ रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाया। अब वो दोनों अपनी टीम के साथ मिलकर गेम में उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर हैलिडे और वो औरत मिले थे। वो एक मूवी थिएटर था। पार्सिवल का दोस्त जब उस जगह को अच्छी तरह देख रहा होता है तो वहाँ पर एक रूम आता है जहाँ पर एक खौफनाक बूढ़ी औरत होती है जो उस पर स्टैप करने की कोशिश करती है, और फिर वो एक मेज टाइप पजल में फंस जाता है जहाँ पर वो बहुत कोशिश करता है कि अपनी जान बचाकर भाग सके। तभी उस कमरे से पार्सिवल और उसकी टीम उसे बाहर निकाल लेती है। वो एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ में फंसी होती है। पार्सिवल की दोस्त फौरन से जाकर उसको बचा लेती है, और तभी वहां पर हैलिडे का करेक्टर आता है और वो उन्हें दूसरी चाबी भी दे देता है। अब हम देखते हैं कि पार्सिवल और उसकी दोस्त रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और यहाँ पे थर्ड क्ल्यू यानी हिंट ढूंढने के लिए डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि IOI इंडस्ट्री काफी जेलस होकर उनमें रियल वर्ल्ड में अटैक कर देती है। लेकिन उस ऑर्फन बच्चे की दोस्त यानी पार्सिवल की जो गेम में दोस्त है वो खुद को उनके हवाले करके पार्सिवल यानी उस ऑर्फन बच्चे की जान बचा लेती है, और तभी वहां पर पार्सिवल के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में छोटे छोटे बच्चे थे। उन्हें इनफैक्ट पार्सिवल की दोस्त ने मैसेज दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि IOI इंडस्ट्री ने उस लड़की को कैद कर लिया है, और अब पार्सिवल मुसलसल कोशिश कर रहा था कि वो किसी न किसी तरह उसको बाहर ले आए, क्योंकि उसके पास उस ऑनर के अकाउंट का पासवर्ड था। तो वो उसको हैक कर लेता है और अपनी दोस्त को भी बता देता है कि किस तरह से बाहर आना है। अब हम देखते हैं कि IOI का ऑनर मुसलसल कोशिश कर रहा होता है कि थर्ड हिंट वही सॉल्व करे, और उसे क्ल्यू मिल भी जाता है। अब वो चाबी लेने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा होता है और कोई उसकी जगह में ना आ सके तो वो एक शील्ड से अपनी जगह को कवर कर लेता है। अब जब पार्सिवल वहां पर आता है तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने भी थर्ड हिंट सॉल्व कर ली होती है। अब जैसा कि ऑसिस के दूसरे यूजर्स को ये बात पता थी कि पार्सिवल ही पहली और दूसरी की का विनर है, तो पार्सिवल उनके सामने लाइव आता है और उनसे मदद मांगता है। लेकिन सब घबराए हुए होते हैं क्योंकि वो लोग IOI इंडस्ट्री और उसके विलन से डरते थे और कोई भी वहां पर नहीं आता। ये देखकर पार्सिवल को काफी दुख होता है और वो IOI ओनर काफी खुश हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर में देखते देखते बहुत ज्यादा लोग वहां पर आ जाते हैं जो कि पार्सिवल के एडमायरर्स थे, उसे पसंद किया करते थे। ये देखकर पार्सिवल के फेस पर एक शाहीन आ जाती है। दूसरी तरफ पार्सिवल के दोस्त जो कि इंडस्ट्री के अंदर ही थी वो वहां से डिवाइस यूज करके वो शील्ड हटा देती है जिससे पार्सिवल अंदर आ सके, और फिर वहां पर एक बहुत बड़ी वार स्टार्ट होती है जो कि पार्सिवल के एडमायरर्स और IOI ऑनर के बीच होती है। अब पार्सिवल और उसकी दोस्त वहां से बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं जहां पर से उन्हें थर्ड की मिलनी थी। पार्सिवल IOI की टीम पर एक डॉल फेंकता है जो कि उन सबको हरा देती है और काफी ज्यादा लोग आउट हो जाते हैं। तभी वहां पर IOI ऑनर एक बहुत बड़े गोरिल्ला में चेंज हो जाता है, और तभी वहां पर पार्सिवल का दोस्त भी उसे हराने के लिए एक बहुत बड़े जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उन दोनों के आपस में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन वो गोरिल्ला उसे स्वॉर्ड मारता है जिससे उसकी काफी ज्यादा पावर्स खत्म हो जाती हैं और वो दोबारा से छोटा हो जाता है। गोरिल्ला उसे गेम से बाहर निकालकर पार्सिवल की तरफ बढ़ता है ताकि उस पर अटैक कर सके, लेकिन पार्सिवल का दोस्त उसे रोक देता है जिसकी वजह से वो IOI ओनर डिफीट हो जाता है। दूसरी तरफ पार्सिवल की दोस्त IOI इंडस्ट्री से बाहर आ जाती है। गेम वर्ल्ड में विलन हर वो पॉसिबल कोशिश कर रहा होता है जिससे वो पार्सिवल को उस बिल्डिंग तक जाने से रोक सके। वो हर चीज डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि पार्सिवल वहां से गुजर ही ना सके, लेकिन पार्सिवल का दोस्त वहां पर आकर उसके लिए एक ब्रिज बना देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर से गुजर जाओ। पार्सिवल उसके ऊपर से गुजर कर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि IOI इंडस्ट्री के काफी ज्यादा सोल्जर्स हैं वहां पर। वो इतने सारे लोगों को कैसे फाइट करता, तो वो अपना बॉम्ब निकालता है और उन पर एक्सप्लोड कर देता है जिसकी वजह से देखते ही देखते वो सारे लोग मर जाते हैं। जब पार्सिवल ज्यादा अंदर जाता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि ओसिस गेम का फाइनल पार्ट खेल रहा होता है, और जब वो जीत जाता है तो वो वहीं से गायब यानी डिसअपीयर हो जाता है। पार्सिवल अपनी दोस्त से कहता है कि ये गेम जीत कर भी गायब हो गया। इसका मतलब है कि हैलिडे के नजदीक असली विनर वो नहीं जो जीत जाए, बल्कि वो है जो गेम अच्छे तरीके से खेले।
अब पार्सिबल वो गेम स्टार्ट करता है, लेकिन तभी वहाँ पर गेम का विलेन आ जाता है। उसके साथ आईओआई का ऑनर भी था और वो दोनों आकर वहाँ पर एक बॉम्ब एक्सप्लोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सब कैरेक्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आईओआई ऑनर बहुत खुश था क्योंकि अब गेम में सबके रैंक जीरो हो गए थे। वो भी खुश हो ही रहा होता है कि तभी पार्सिबल का नाम सबसे ऊपर आता है, यानी उसका स्कोर सबसे ज्यादा था। इनफैक्ट वो मरा नहीं था, उसके पास एक ऐसा क्वाइन था जिसने उसे एक एक्स्ट्रा लाइफ का चांस दिया था। अब उसी का फायदा उठाते हुए वो गेम दोबारा स्टार्ट करता है। वो गेम अच्छे तरीके से खेलना शुरू करता है और तभी वहाँ पर हैलिडे आता है जो उसे आखिरी चाबी देता है कि तुमने बहुत अच्छी तरह खेला। लेकिन तभी ही रियल वर्ल्ड में आईओआई के लोग उन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो की नहीं पकड़ पाता। वो लोग ट्रक में चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आईओआई की एक लड़की आ जाती है और उन पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो ऑर्फेन बचा यानी गेम वर्ल्ड का पार्सिबल उसे किक करके ट्रक से बाहर फेंक देता है। अब उसे तीसरी की मिल जाती है और उसके पास पूरी तीन कीज हो चुकी थी। अब वो जाता है उस डोर के पास और तीनों की तीनों कीज उसमें लगा देता है। वो डोर अब फाइनली अनलॉक हो चुका था। वो जगह बहुत ही प्यारी थी। वहाँ पर हैलिडे भी होता है जो उसे कहता है कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये कोई साजिश या ट्रैप है, जिसमें पहले हैलिडे भी फंस चुका है और ये वाकई में एक ट्रैप था। फिर हैलिडे उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसे एक ईस्टर एग देता है। दूसरी तरफ आईओआई के ओनर को बहुत मसला हो रहा था, बहुत जेलसी हो रही थी। वो रियल वर्ल्ड में दोबारा से पार्सिबल पर अटैक करने आता है और जैसे ही वो ट्रक का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके हाथ में वही ईस्टर एग है, जिसे देखकर वो एक लम्हे के लिए रुक जाता है और शॉक्ड रह जाता है। इसी दौरान वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस आईओआई ओनर को अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि वही ऑर्फन बच्चा यानी पार्सिबल अब ऑसिस का ओनर था और अब उसकी पूरी टीम उसके साथ थी और वो मिलकर ऑसिस खेलते और उसको चलाते थे। उसने गेम्स के रूल भी अच्छे बना दिए थे जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता था। और फिर हम देखते हैं कि पार्सिबल और उसकी दोस्त एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।